314 ओबीसी के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद भी आईएएस आईपीएस अधिकारी नहीं बन पाए और इनमें से 3 बच्चों ने तो आत्महत्या भी कर ली और सवर्ण समाज के 8 लड़कों को बिना यूपीएससी पास किए आईएएस अधिकारी बना दिया गया। इसे क्या कहोगे, जातिवाद या हिंदुवाद? इसे कहते हैं बुद्धिमान की बेईमानी और मूर्ख का त्याग। मनोज वाजपेयी के भाई की पर्यावरण मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति। मनोज वाजपेयी का भाई सुजीत वाजपेयी बिना सिविल सर्विस की परीक्षा पास किए सीधे भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। वे अब नीतिगत फैसले करेंगे, जबकि उन्हें सरकार में काम करने का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। बाकी 8 और सवर्णों को भी बिना परीक्षा के नौकरशाही में लाया गया। ब्राह्मण तुष्टिकरण में सरकार तमाम हदें पार करती जा रही है। आप करते रहिए यूपीएससी एसएससी की तैयारी, वे बिना आरक्षण लागू किए सीधे भर लेंगे अपने लोग। यूपीएससी से संविदा पर 9 संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 5 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 1 बनिया, 1 कायस्थ और 1 भूमिहार है। 85% की आबादी वाले ओबीसी एससी एसटी का एक भी काबिल उम्मीदवार इन्हें नहीं मिला। बहुसंख्यकों बीजेपी तुम्हें सिर्फ घंटा बजाने और दंगा कराने के लायक ही समझती है। तुम्हारे बच्चों और समाज के अधिकारों के खिलाफ मुसलमान दलित नहीं मनुवादी संघी है। तुम बड़े भोले यानी कि मूर्ख यानी कि भक्त हो। अंधेर नगरी चौपट राजा।